अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के रुपौली के मंडल अध्यक्ष श्री महेश्वर प्रसाद शाह जी, मंच के संचालक जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री शंकर कुमार शर्मा जी, हम सब लोगों की रुपौली विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती बीमा भारती जी, यहां हमारे साथ आए हुए जदयू नेता ललन सर्राफ जी, पूर्णिया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष शंभू मंडल जी, वीआईपी पार्टी के रुपौली प्रखंड के अध्यक्ष श्री भवानी कुमार सिंह जी, पूर्णिया के पूर्व महापौर अभी उप महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी, जिला परिषद पूर्णिया की अध्यक्ष श्रीमती क्रांति देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री अरविंद कुमार शाह जी, विष्णुदेव जायसवाल जी, रामजी जायसवाल जी, ऋषिकेश जी, अभय कुमार मंडल जी, शोभाकांत चौधरी जी, श्याम किशोर मंडल जी, श्री सच्चिदानंद मंडल जी, धर्मेंद्र मंडल जी, अखिलेश महतो जी, मनोज जायसवाल जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री सुरेंद्र नारायण मंडल जी, तारानंद सिंह जी, जितेंद्र यादव जी, अवधेश मंडल जी, प्रसाद महतो जी, सुनील सिंह जी, प्रकाश सिंह पटेल जी, प्रवीण राय जी, हरिमंडल जी, भगवान पंडित जी, मुकेश कुमार दिनकर जी, मस्तराज जायसवाल जी, एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं धूप को बर्दाश्त करते हुए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। कोरोना का दौर पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इसी कारण से जो चुनाव की अवधि है, इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव अभियान की कम अवधि निर्धारित की। पहले बहुत समय मिलता था, हर जगह हम लोग जाते थे, अब तो आप समझ लीजिए कि दो चुनाव का हो चुका, दो चरण और तीसरा चरण अब परसों होना। कई जगहों पर चाह करके भी नहीं जा सके, लेकिन आपके यहां आने का मौका मिला, इसके लिए मैं धरती का नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारा रिश्ता है आज का नहीं है, आप लोगों से बहुत पुराना है और ऐसा कोई अवसर नहीं है। हर साल हम पूरे बिहार में घूमते हैं और आपके पूर्णिया जिले में भी आते हैं, इस जगह पर आते हैं। अभी हाल ही में आए हैं, पिछले चुनाव के समय में जब आए थे तो उस समय जो पता चला बापू यहाँ आए हुए थे तो हमने कहा हम आएंगे और वहां पहुंच गए और पहुंच करके जो कुछ भी करना है वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं भी जाना है देख लेते हैं कि यहां पहुंचना चाहिए, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने जब से काम करने का मौका दिया है हम तो सेवा ही करते हैं। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। और जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया। जो काम हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया, ये आप सब लोगों को मालूम है, पहले महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर न के बराबर मिलता था, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तुरंत कानून बनाया और पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। देश के किसी दूसरे राज्य में महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला था। ये काम हम लोगों ने किया। तीन चुनाव हो गया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, कितनी सेवा कर रही हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, मुझको जिनसे भी बात करने का अवसर मिला, हमने देखा है कि भाई उनकी प्रतिबद्धता बहुत रहती है, बाएं दाएं कोई बात नहीं करती है,
अपने इलाके के विकास की ही बात करती है, वहां की कोई समस्या होती है उसी की चर्चा करती है, महिलाओं का यह गुण है। तो आज आप समझ लीजिए, और उसके बाद गरीबी के कारण लोग बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम लड़की पढ़ती थी, हमने साइकिल योजना इसकी शुरुआत की, अब लड़का लड़की बराबर। अब प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे बच्चियां नहीं जा पाते थे, हमने पता किया कि कौन समुदाय के हैं सबसे ज्यादा महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय के, और उसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक के 30,000 लोगों को लगा करके काम में लगाया, सब स्कूल जाने लगे। और अब लड़का लड़की बराबर, और इस बार मैट्रिक का परीक्षा हुआ उसमें लड़का से भी थोड़ा लड़की ज्यादा ही थी परीक्षा देने में, आप समझ लीजिए इतना काम होता है। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमने जीविका समूह का गठन किया, जिनको मौका मिला था, क्यों नहीं महिलाओं के लिए काम किया? हमको जब मौका मिला हमने यही देखा कि स्वयं सहायता समूह वगैरह नहीं है यहां, बहुत कम है, हमने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के, और लक्ष्य रखा कि पूरे बिहार में हम इसको लागू करेंगे, और कम से कम 10 लाख बनाएंगे, और 10 लाख बन गया, अब संख्या उससे आगे बढ़ रही है, 1,20,00,000 महिलाएं उससे जुड़ी हैं। कितनी जागृति आई है, जब उनसे बात करते हैं तो लगता है कि हमको बताने की जरूरत नहीं, एक एक बात को जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कितनी जागृति आई है, परिवार की आमदनी बढ़ी है, विकास का काम हो रहा है कितने जगहों पर, अभी हम जल जीवन हरियाली अभियान में निकले, अनेक जगहों पर जाकर के हमने देखा कि जीविका समूह की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही है। तो आप जान लीजिए, हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने काम किया। कहां मिला था पहले? अनुसूचित जाति को भी 15 साल शासन किए, एक ही बार चुनाव 2000 में, और अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं, हम लोगों को मौका मिला। हम लोगों ने अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़ा वर्ग को 20%। अब कितनी बड़ी संख्या में सब जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी इज्जत बढ़ी है, सबका सम्मान बढ़ा है, तो हम लोग को सबकी इज्जत के साथ काम करना चाहते हैं, हर जगह का, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, तो यही तो काम किया। कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, एक एक काम, तो हर तरह का काम हम लोग करते रहे, आप लोगों ने मौका दिया। और फिर हम लोगों ने देखा भाई बिजली का क्या बुरा हाल था, गांव की बात छोड़ दीजिए, शहरों में बहुत कम देर बिजली, इतना बड़ा राज्य और पूरे बिहार में बिजली की खपत मात्र 700 मेगावाट, हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया, और इस बार तय किया था 15 में कि अगर आगे काम करेंगे तो हम लोग 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 तक ये काम पूरा किया, अब हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए बिजली कितना बढ़ रहा है खपत, अब तो लोग सिंचाई के काम में भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, हर प्रकार से गांव शहर सब जगह बिजली की आपूर्ति हो रही है, और अब बिजली की खपत बिहार में 6,000 मेगावाट से भी ज्यादा, और जान लीजिए राज्य सरकार लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए 5,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च करती है ताकि सबको सुविधा मिले। तो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, जर्जर तार को बदल दिया, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, और जो भी अवसर मिला, स्कूलों का क्या बुरा हाल था, क्या बुरा हाल था स्कूलों का, शिक्षक कितने कम थे, सबकी बहाली, सबके लिए काम, अस्पतालों का काम सब किया। और इस बार हम लोगों ने क्या कहा था, एक काम तो हो गया हर घर बिजली, लेकिन साथ साथ हमने क्या कहा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और पूरे देश में हर घर शौचालय बन रहा, बिहार में भी हर घर शौचालय बने, और हर घर तक नल का जल मिले, इसके लिए काम किया। और आप जान लीजिए नल का जल का काम भी पूरे बिहार में 88% पूरा हो गया, चूंकि ये सब इलाका में गुणवत्ता प्रभावित था, हमने पीएचईडी को जिम्मेवारी दी, पंचायतों को जिम्मेवारी थी जो गुणवत्ता प्रभावित नहीं था, जहां गुणवत्ता प्रभावित पंचायत में अगर 4 वार्ड भी है तो बाकी वार्ड का भी काम हमने पीएचईडी विभाग को दिया, वो काम चल रहा, तेजी से चल रहा। और आपके यहां भी
358 वार्ड में काम पूरा हो गया है, 716 वार्ड है आपके निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र में, और हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण 716 वार्ड में, 699 वार्ड में काम पूरा, बहुत जल्दी वो भी काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे जो हम लोगों ने तय किया, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, गांव के बगल का टोला है उसका अपना कोई गांव का नाम नहीं है, तो टोला संपर्क योजना भी बनाया था। अब आपके क्षेत्र में आप जान लीजिए कि यहां 24 बसावटों में संपर्कता प्रदान की गई, तो हर तरह से काम, कोई ऐसा चीज नहीं है। जल जीवन हरियाली मिशन का काम शुरू किया, उसका भी काम चल रहा। ग्रामीण सड़कों का निर्माण 119 ग्रामीण सड़कों का निर्माण 356 किलोमीटर। आप बताइए, जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं और एक एक चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और हमने जल जीवन हरियाली अभियान नाम क्यों दिया कि अगर जल सुरक्षित है, हरियाली है, तभी लोगों का जीवन सुरक्षित है, और इसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक तरह का काम करके समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की रक्षा चाहते हैं, तो ये सब काम हर चीज में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो आप लोग आगे काम करने का मौका दीजिएगा। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप जान लीजिए, हम लोग तो एक एक चीज को देखते रहते हैं। अब अगली बार अगर मौका मिल गया तो हम आपको एक दो बात बता देते हैं। हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हम हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, घर का बत्ती बुझा दीजिएगा, पूरा रात गांव में उजाला ही उजाला रहेगा, ये स्थिति ला देंगे सरकार की तरफ से। और जो भी काम करवाया है, चाहे पक्की गली, नाली का निर्माण, जो भी काम, हर घर नल का जल, एक एक चीज को देखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, अनुरक्षण करेंगे, और ये काम तो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, गांव हो या शहर, अब इतना चीज बन गया, अगर गंदगी आएगी तो बड़ा नुकसान होगा। हम तो शुरू से कहते हैं जब आते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिली और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिला, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब जितना काम करवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, अगर कहीं कुछ गंदगी रह गई तो फिर नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों का निश्चय है कि अगली बार मौका मिलेगा तो गांव हो या सड़क, सब जगह पूरे साफ सफाई का प्रबंध रखेंगे जितना काम हुआ, ताकि हर चीज सुंदर, पर्यावरण ठीक, और किसी को संकट नहीं आए। और एक बात और जान लीजिए, हर खेत तक हम लोग सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे अगली बार। और गांव हो या शहर, सबके विकास के लिए जो हमने संरक्षण की बात कही, एक बात और जान लीजिए, जो विकास करना है हमको, तो अब नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण सभी लड़के लड़कियों को दिलाने का हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो आप जान रहे हैं, हमने पहले कोशिश किया है, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, 10 लाख युवक युवतियों ने उसकी ट्रेनिंग ली। लेकिन अब सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं, उसके आगे अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में कोई कमाई के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। और उसके लिए जरूरी है कि पूरी नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण, ताकि लोग काम करें और आमदनी बढ़े। और औद्योगिक नीति बना दी, जिस बार कोरोना में आए हमने कितने लोगों से बात किया, और केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और मदद किया है, हम लोगों ने औद्योगिक नीति बना दी है। अब जो अगली बार काम करेंगे, इतना उद्योग और व्यवसाय बढ़ेगा कि कोई बाहर जाने को मजबूर नहीं होगा, बल्कि यहां इतना काम होगा कि बाहर के लिए बहुत सामान यहां पैदा होगा। ये बिहार बनाना है, केंद्र का सहयोग, राज्य का प्रयास, मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और आप जान लीजिए, गांव का जोड़ रहे हैं सड़क से, अब अगली बार जो मन में इच्छा होगी कि ये सड़क बन गया, जरा और सड़क बने,
गांव से गांव जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण बाजार तक जाने के लिए, उसके लिए भी सड़क बनवा देंगे। आज इतना शहर और बाजार है, चौड़ीकरण तो हो ही रहा, और हर जगह बाईपास बनवाएंगे। आप जान लीजिए, बाजार में, शहर में सब जगह बाईपास, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग करेंगे। और अब टेक्नोलॉजी आ गई, केंद्र के द्वारा गांव में भी पहुंचाया जा रहा है। अब अगर किसी की तबीयत खराब होगी तुरंत सूचना उसके माध्यम से मिलेगी, जांच भी होगा, इलाज भी होगा। और उसके अलावे आप जानते हैं, हम लोग कृषि रोड मैप में कृषि के क्षेत्र के अलावे पशुपालन, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और कितना नए संस्थानों का निर्माण करवाया आप सबको पता है। पूर्णिया के लिए क्या किया सबको मालूम है, एक एक चीज मालूम है। तो सब चीज जो किया, तो हम लोग अब आगे और जो काम करेंगे, पशुओं के इलाज के लिए भी टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन आज भी पशु अगर बीमार पड़ जाए तो लोगों को खर्चा बहुत होता है। तो 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे, और नई तकनीक से जानकारी मिलेगी, जानवर भी आपका बीमार पड़ेगा उसके इलाज के लिए चिकित्सक देख लेंगे, और जो दवा की जरूरत है राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो आप आगे मौका दीजिएगा, और ये जो जीविका समूह, इसको और आगे विस्तार करेंगे, इनको और ज्यादा मदद करेंगे ताकि और तेजी से आगे बढ़े। और पुरुष और महिला सब काम करते हैं तभी बिहार आगे बढ़ रहा। तो आगे केंद्र का सहयोग और राज्य सरकार की मेहनत मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए फिर मौका आपसे मांगने आए। और आपके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, बहुत काम करती हैं, कभी आपके क्षेत्र को भूलती नहीं है। आप पिछला बार ही हम आए थे तो कह चुके थे बहुत इधर उधर चल रहा था, तो इस बार तो बेचारी पूरा काम करते रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आ कोई बाएं दाएं भड़का के इधर उधर वोट को करना चाह रहा, हम उसको भी कहेंगे कि इधर उधर वोट मत करो। अगर चाहते हो कि बिहार आगे बढ़े और हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाने का मौका मिले, तो निश्चित रूप से बीमा भारती को भारी मतों से तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा। तो आगे भी हमको अभी जाना, तो क्या उम्मीद करके जाएं? बीमा भारती को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको जीत का माला समर्पित कर दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपके, आपकी सहमति से हमने जीत का माला इनको समर्पित कर दिया है। अब परसों वोट है, एक एक वोट दीजिएगा तीर छाप के बगल का बटन दबा करके। और यहां पर बहने हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमने आपके लिए जितना काम किया, सबसे ज्यादा काम आपके लिए किया है, आपसे यही अनुरोध करेंगे कि परसों सवेरे तैयार होकर के जाकर के पहले वोट डालिएगा, और तब आके घर में आके खाना बनाइएगा, तब खाइएगा। अब परिवार के सब लोगों को कहिएगा, जाओ पहले वोट दे करके आओ, तब खाना खिलाएंगे, तो सब वोट देगा, और भारी मतों से बीमा भारती विजयी होंगी। आपके यहां अगर कोई काम बचा है वो सब काम होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। समाज आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, और एक विकसित राज्य में बिहार को तब्दील करने में हम सब कामयाब होंगे आपके सहयोग और समर्थन से। तो आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और अगले कार्यक्रम में जाने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।